की शब्दावली शुभेंदु जी वाली तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। जब टीएमसी में थे तो बीजेपी के लिए क्या क्या बोलते थे मैं खोल के रखूं। ऐसे लोग जो अवसर पाकर के इधर से उधर हो जाएं, फिर उनके बयान की गरिमा उसमें भरोसा नहीं रहता है। अरे साहब, प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में किसी को भ्रष्ट कहा था, 72 घंटे के अंदर वो भ्रष्ट कहां गया? शुभेंदु जी, रॉकेट साइंस चाहिए इसके लिए, समझने के लिए थोड़ा आईना सामने रखा कीजिए। अतीत भी दिखेगा और भविष्य भी दिखेगा। लेकिन सर, जो मुद्दा आता है कल हमने करके, वो भी कह रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये तो एग्जाम्पल है जहां पर कि एक पार्टी दूसरे के सामने खड़ी है। इस अलायंस का मतलब क्या है? उनका कहना है कि एक तरफ तो जीत नहीं, नहीं मैं मेरा मतलब मेरा मानना अनुराग जी, इंडिया अलायंस में आ गए हैं क्या? वो क्यों चिंता कर रहे हैं? अगर हमारे अलायंस में होते तो उनकी चिंता मेरी समझ में आती। इसको चिंता नहीं कहते हैं, इसको हड़बड़ाहट कहते हैं, हताशा कहते हैं। उनको अपनी सीट की भी चिंता है, मैं बता रहा हूं, यकीन मानिए। अव्वल तो टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा तो जीतेंगे, तो जाहिर है कुछ कुछ बोलते रहे। अब उनसे हम तो ये उम्मीद नहीं करेंगे कि हमें शुभकामनाएं देंगे, भविष्य के लिए स्नेह देंगे, नहीं। तो उनका काम है तुरही बजाना, तुरही बजाएंगे। सर लेकिन इस तो पूरे प्रकरण में एक मुद्दा जिस पर इंडिया ब्लॉक के नेता और जो भारतीय जनता पार्टी है उनके नेता आमने सामने, और खासतौर से तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां पर कि सनातन धर्म को लेकर के लगातार डीएमके की तरफ से टीका टिप्पणी हो रही है, वो उनके एक एक नेता आगे बढ़ करके और सनातन धर्म को लेकर के टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अरे मोहन भागवत जी को क्यों भूल जाते हैं आप लोग? मोहन भागवत जी ने सबसे ज्यादा स्वीकारोक्ति की, आप लोगों ने उनको बिसरा दिया। अरे उस आरएसएस के प्रमुख हैं, सरकार चलाते हैं, उन्होंने कहा 2000 साल तक हमने उनका उत्पीड़न किया। इस अफसाने में स्टालिन कहीं नहीं आते ना। कोई भी धर्म, मैं बार बार कह रहा हूं, उसको इसके आधार पर होना होगा। अगर उसके अंदर न्याय नहीं है तो किस बात का? कबीर को कहां रखेंगे? मैंने तो कई सवाल कई बार आपके माध्यम से कहा, अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं का क्या होगा? क्या बना रहे हो इस देश को भाई? बौनी समझ, बौनी सोच, बहुत विशाल हृदय है। विसंगतियां हैं, संवाद से दूर होंगी, उसका इंतजार किया जाए। कुछ कूद करके कोई कुछ बोलने लगे जिसको ना समझ है, अरे सीवर में उतर के मरने वाले की जाति क्यों नहीं बदल रही है? क्यों, क्या बोलोगे इस पर? वो किसी के पास कोई जवाब नहीं है, बस सनातन 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 मिल गया कि लगा अब मेरा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, लोग सनातन में ही डूब जाएंगे, वोटिंग कर देंगे। नो, इट वोंट हैपन। लेकिन सर एक जो और मुद्दा है, अलग अलग तरह की मांगे हैं, इसमें महाराष्ट्र है जहां पर कि मराठा आरक्षण को लेकर के लगातार आंदोलन भी हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारे लिए मुद्दा बहुत ही गंभीर है और ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई जा रही है, क्या कहना है? देखिए, मैंने तो एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी थी जिसमें जो फुसफुसा के जो वो बोल रहे थे सब चीजें माइक पे आ गई। उन्होंने सिर्फ माइक पे ये कहा था कि चलो किसी तरह अभी टाल दो इसको, ये गंभीरता है। इसका एक ही जवाब है, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, जब तक पूरे देश में जातिगत जनगणना आप नहीं करवाएंगे, आपके पास वैज्ञानिक आंकड़े नहीं होंगे, आपके पास इन विषयों के लिए कोई समाधान नहीं होगा। आप अंधे कुएं में रोशनी ढूंढते रहेंगे, नहीं मिलेगा। सर पिछले दिनों राहुल गांधी ने हिंदू रिलीजन से जोड़ते हुए उन्होंने टिप्पणी की थी। गिरिराज सिंह का कहना है कि राहुल गांधी ने एक भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है, अगर उन्होंने एक भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक पढ़ा होता तो इस तरह की टिप्पणी। मैं इस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, ये हालत हो गई हमारे देश की। गिरिराज सिंह जी, आपसे ज्यादा हम सब ने पढ़ा है, आपकी पढ़ाई सिर्फ हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान तक है। अपने मंत्रालय को आप कितना समझते हैं मैं जानता हूं, कभी आइए सामने आमने बैठ के बात करिए। उन्होंने क्या कहा था? जो उन्होंने कहा था उसका जवाब नहीं है। राहुल जी ने कहा था, मैंने ये टेक्स्ट पढ़े हैं, इसमें जिस हिंदू धर्म की अवधारणा है बीजेपी का, उससे कोई लेना देना नहीं। इसका जवाब है नहीं होगा। शिखा रख लेने से ही सिर्फ हिंदू नहीं होता है, ये ध्यान रहे। सर एक और सवाल है, बिहार में छापेमारी हुई है और इस बार जिनके घर छापेमारी हुई वो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं, राधाचरण सेठ, इनके हाथ में। आप ईडी क्यों बोलते हैं? मुझे बहुत कष्ट होता है, सच मानिए, ईडी के अधिकारियों के लिए बुरा लगता है, सीबीआई के। ये अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, ये ईडी सीबीआई आईटी नहीं है, ये दोनों हैं फ्रंट पे। इन्हें विपक्ष से ऐसे ही लड़ना है। कल अभिषेक जी को बुलाया गया, राधाचरण सेठ जी, 2 दिन पहले लालू जी के लिए दिया गया अलग से सप्लीमेंट्री।
ये अभी अप्रैल मई तक चलेगा क्योंकि ये क्लूलेस है, इसलिए बेकार आप बेचारे अधिकारियों को बड़ी मेहनत से पढ़ाई करके यहां आते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं, साफ साफ बोल